बेगूसराय के व्यवहार न्यायालय के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब शराब के मामले में 112 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल ले जा रहे कैदी वाहन को रोककर परिजनों ने व्यवहार न्यायालय के गेट के सामने घंटों तक हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उस जगह काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस को भी मामले को शांत कराने में पसीने छूट गए। परिजनों का आरोप है कि जबरन शराब बेचने और पीने के आरोप में घर से बच्चे बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 दिन तक दिनकर कला भवन में रखा गया। जब भी इस मामले में उत्पादन पुलिस पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फाइन लेकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अचानक आज सभी व्यक्तियों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। इससे नाराज होकर आज बंदी के परिजनों ने जमकर कैदी वाहन को रोककर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर नगर थाने की पुलिस और कई पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत कराया और कैदी वाहन को वहां से रवाना किया। बताते चले कि शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया गया था, जिसमें 70 शराब कारोबारी और 40 शराब पीने वाले कुल 112 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राज्य मुख्यालय के निर्देश पर बेगूसराय जिले में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया है। समस्तीपुर, खगड़िया और मुंगेर जिले की टीम भी इसमें शामिल हुए थे और इस दौरान बेगूसराय जिले के अलग अलग इलाके में छापेमारी की गई, जिसके तहत यह गिरफ्तारी हुई है। उत्पादन अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि शराब बेचने के आरोप में 70 लोगों और शराब पीने के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब आज इन लोगों के न्यायालय में पेश करके उसे जेल भेजा जा रहा था, इस दौरान बंदी के परिजनों के द्वारा व्यवहार न्यायालय के गेट पर कैदी वाहन को रोककर हंगामा शुरू कर दिया गया और उन्होंने बताया कि किसी तरह उन सभी परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराकर उस जगह से कैदी वाहन को रवाना किया गया। बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। तीन दिन चार दिन से रखे हुए हैं, छोड़ नहीं रहे। कहाँ का मामला है? ये मामला है पूरा बेगूसराय, खातोपुर, सरैया, हम सब यहाँ यहाँ कर्मी को पकड़ के लाए हैं। जबरन घर से भी खींच के लाए हैं, यहाँ गाड़ी में बैठा लिए, छोड़ नहीं रहे हैं। फाइन फाइन करके भी नहीं छोड़ रहे हैं, पहला दफा है। कुछ कैदियों का, हाँ इसकी सूचना मुझे दी गई है। कुछ कैदियों के परिजनों का था कि भाई हमारे लोगों को जेल नहीं भेजा जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं। सब पीने या बेचने के आरोप में थे, उनको तो महाअभियान के तहत जेल भेजा ही जाना था। हमारे थे वहाँ पर ऑफिसर्स, थे बल थे, उनके द्वारा उनको समझा बुझा कर नियंत्रित करके उनको जेल भेजा जा चुका है। वर्तमान परिस्थिति में अभी ऐसी कोई बात नहीं, सारे लोग जेल जा चुके हैं, जेल कैंपस में जा चुके हैं। थैंक यू। मुझे इस बाबत कोई जानकारी है नहीं, मेरे तो पदाधिकारी ने बताया कि सारे लोग जेल जा चुके हैं। हो सकता है इस तरह का हुआ होगा परिजनों के द्वारा, मुझे इसकी सूचना नहीं है। पटना के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।